भाई भाई ने खर्चा बता दिया थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, तो आज हम बाइक की फोर सर्विस कराने जाते हैं। अभी तक बाइक 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। बाई डिस्टेंस इसको 15,000 पे सर्विस करानी चाहिए, बट अब टाइम हो चुका है एंड थोड़ा टाइम भी था, तो सोचा आज ही इसकी सर्विस करा ली जाए। बाइक में वैसे कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है, बस इसमें एक प्रॉब्लम तो है कि यहाँ पर हैंडल बार राइजर्स मैंने लगवाए थे तो उससे क्लच का केबल छोटा पड़ रहा है क्योंकि हैंडल ऊपर आ गया था। तो इसका एक सॉल्यूशन मुझे किसी ने दिया कि KTM एडवेंचर की क्लच केबल इसमें लग जाएगी तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज उसका केबल आई थिंक बड़ा होगा, तो ये भी सॉल्यूशन करके देख लेंगे। बाकी थोड़ा बहुत इसका RPM फ्लक्चुएट होता है, आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है इसका, देखते हैं अब इस सर्विस में क्या बताते हैं। बाकी 15,000 किलोमीटर वाली सर्विस पे सिर्फ इंजन ऑयल टॉप अप होता है, चेंज नहीं होता, एंड फिल्टर भी चेंज नहीं होता, तो ऐसा कुछ मेजर काम है नहीं, बट वही अटेंडेंस लगानी ज़रूरी है जस्ट टू मेंटेन द वारंटी ऑफ द इंजन। अब मैं बस वहाँ पर ब्रेक से पहले पहुँच जाऊँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। करेंटली इट्स 12 PM, भाई भाई ने खर्चा बता दिया थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा। भाई क्लच प्लेट्स चली गई है बाइक की, थोड़ी सी गई है, ज़्यादा नहीं गई है, अब इसकी वजह से इंजन ऑयल भी चेंज कराना पड़ेगा। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दिस एक्सपेंस। नई क्लच प्लेट मंगवा ली है, वैसे क्लच प्लेट की लाइफ कितनी होती है भाई डोमिनार की? लाइफ तो ऐसा है कि आपने हाथ में रखो, चेन लंबी चलती है, अगर गाड़ी की क्लच दबा के चलाओ क्लच खत्म हो जाता है बहुत। ये सही टाइम पे हुई, जल्दी हो गई, ये जल्दी हुई है। हाँ, ये आपके हाइपर राइडर के जो आप राइडर लगा रखे हैं आपने उसकी वजह से हुआ। तो भाई अब केबल भी चेंज मार दो, इसकी केबल भी चेंज हो गई, केबल भी आपकी गाड़ी की मिलेगी। KTM एडवेंचर, मैं यही बता रहा हूँ, केबल भी आपकी गाड़ी की मिलेगी क्योंकि आपकी केबल छोटी है। अच्छा, तो उसी की वजह से दिक्कत आ गई, क्योंकि मुझे यार ये लगा लो ना, मेरी पल्सर 30,000 होने वाली है, आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं अच्छा अच्छा वो कंप्लीट जाने की वजह बस आपकी क्लच केबल है और ये रोटेशन का मामला है, जो ये रोटेट लगा रखा है आपने, राइजर लगा रखा है, ये जब हम क्लच गाड़ी को मोड़ते हैं ना तो क्लच के ऊपर फर्क पड़ता है। हाँ, ये थोड़ा पंगा तो है भाई। तो यही जो पंगा है ना, यही आपकी क्लच पे। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। ओहो, ये पंगा सबसे खराब पंगा। अब मतलब क्लच प्लेट चेंज कराइए तो इंजन ऑयल भी चेंज कराना पड़ेगा। मैंने सोचा यार चल जाएगा अभी। अच्छा, ये क्लच प्लेट चेंज कराने के बाद इंजन ऑयल क्यों चेंज कराया जा रहा है? क्योंकि यार 3,000 किलोमीटर ही चली थी मेरी बाइक। जितना होता है इंजन ऑयल चेंज कराने का मतलब ये होता है, जो आपका ऑयल है उसके अंदर जो लेदर का जो पार्ट है वो घिस गया है। अच्छा, और वो ऑयल हो गया सर्ट, बिल्कुल मतलब गाढ़ा हो गया है। अगर उसे चेंज नहीं करेंगे, अगर इसी इंजन ऑयल पे क्लच चलेगा तो दोबारा फटने के चांस रहेंगे। इसलिए कंपनी कहती है कभी भी क्लच प्लेट चेंज होती है तो इंजन ऑयल उसके साथ शेड्यूल के टाइम पर चेंज होता है। अदरवाइज चेंज नहीं करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लच फूकेगा या कुछ भी होगा वो आपकी। बाकी बाइक में आपको चेंज सेट का क्या हाल लग रहा है? चेंज सेट खराब है,
खराब है उसकी लाइफ बजाज के अकॉर्डिंग 15,000 किलोमीटर की लाइफ है। अच्छा, पर अगर आप उसे नॉर्मल यूज़ में मतलब प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करोगे, जैसे सपोज हर 500 किलोमीटर पर ल्यूब नहीं करोगे तो चांसेस खराब है। नहीं, ल्यूब तो करता है एक्चुअली, इससे ऑफ रोडिंग बहुत हुई है। ऑफ रोडिंग हो रही है तो भी फ़र्क पड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी में ऑफ रोडिंग हो रही है तो 500 किलोमीटर की जगह 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर आपको चैन लूप। ओके ओके, नहीं तो वो चैन लूप आ रहा था। अच्छा, अगर मैं ल्यूब कर दूँ तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा, चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना उसमें कोई आवाज़ आएगी किट 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 किट, कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल ओके चलेगी चैन। ओके ठीक है। 1 hour later भिगा दिया है। हाँ, 5 से 10 मिनट के लिए भिगा कर रखेंगे जिससे कि वो स्मेल। अच्छा, ये तभी बबल्स निकल रहे हैं। हाँ, उसके अंदर जो हवा है, एयर है, वो निकल रहा है। ओके, स्पंजी टाइप में। ओके, जिससे आपका क्लच प्रॉपर चले। और ये आपकी जटअप में क्लच प्रेशर प्लेट है स्टील। और ये देखिए फर्क, मैं फर्क दिखाता हूँ उसमें। ये हार्ड हो गई है, आप देख भी रहेंगे इसके ऊपर काले काले धब्बे पड़ने शुरू हो गए हैं। अच्छा ठीक है। और ये हमारे नई प्रेशर प्लेट, इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए। ये पतली भी हो गई होगी थोड़ी? वो पतली नहीं होती, ये लोहा घिसता थोड़ी ना है, लैदर से लोहा नहीं घिसता, पर जर खत्म हो जाता प्लेट का। ऐसे जो जैसे बाइक झटके से उठ रही थी वो खत्म हो जाएगा। जितना भी गाड़ी का सारा खत्म कर देगा प्रेशर प्लेट। बाइक भगाने से तो कोई लेना देना नहीं है ना? कोई लेना देना नहीं है, बस इन वायर से लेना देना होता है। तो करना चेंज, क्योंकि अपनी गाड़ी में क्लच से प्लेटों से ज़्यादा इन वायरों की अहमियत ज़्यादा होती है। ये भाई ना जान लिए बिना माने हुए, ये मतलब फुल रिग्रेट करा दिया मुझे हैंडल बार राइजर लगवाने का। अपनी गाड़ी के लिए, भलाई के लिए कुछ करा है, नुकसान तो झेलना पड़ेगा। आ गए हैं हमारी 1 मिनट के अंदर क्लच प्लेट है बाहर। ये देखिए, ये फिट हो रही है क्लच प्लेट है। आइडियली क्लच प्लेट कितने टाइम चलनी चाहिए डॉमिनार की, अगर बिल्कुल बढ़िया चला रहा है बंदा? समथिंग 50 से 55,000 किलोमीटर आराम से गाड़ी क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, अगर सिटी में चला रहा है? सिटी का तो भैया ऐसा है कि जितना तुम क्लच को यूज़ करोगे उतना क्लच डाउन होगा चला जाएगा। मतलब जैसे टेरेंस पर जाते हैं, पहाड़ों पर ऑफ रोडिंग करते हैं, वहाँ तो क्लच जाएगा जी हाँ, क्योंकि क्लच दबा के चलाओगे, जिस जगह पर क्लच दबेगा और गाड़ी रन करेगी वहाँ पर आपका क्लच शॉर्ट होना होना है। ओके, बाइक की गाड़ी का क्लच पैक हो गया भाई। ये तो जेल से काम करता है, देख रहा चेहरे पे खुशी, देख रहा काम करता है, एनर्जी लेवल है भाई का। चेहरे पे खुशी नहीं रहेगी तो दूसरे बंदे का ही माइंड अपसेट रहेगा बिल्कुल बिल्कुल, कैसी गाड़ी हो रही है कैसी नहीं हो रही है मुझे भी पता नहीं है। वो चेहरा चाहे अपने गम चाहे कितने भी हों, काम करते समय चेहरा खुश रखे, दूसरे बंदे का भी मनोबल बना रहेगा। ये भाई ये लाल वाला रसबरी काला कट्टा निकाल दिया भाई ने। इसे हर सर्विस पे चेक करा दे रहे, क्योंकि इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये पहली पैन आपका भारी है। अच्छा, हैवी है तो ये वाइब्रेशन से लूज होता रहता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं टाइट हो रहा है। इतना ही लूज था पहले से? ये पूरा लूज था। ओके, जो भी बैली पैन लगाया तब पता चला है कि लूज है, अब ये फुल टाइप है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, ये भी लूज है, ये साइड है और ये पूरा टाइप है। अब बैली पैन लगेगा कोई वाइब्रेशन नहीं है। क्या कर दोगे इसका? चैन एडजस्ट करेंगे, जहाँ तक चल सकता है उतना चलाएंगे, और नहीं तो फिर भैया से बोल देंगे चेंज करा लो। यहाँ पे लॉक कर देते, ये आपका
एडजस्टिंग चैन लॉक है, एडजस्टर चैन लॉक बोलते हैं इसे, ये हमने लॉक कर दिया। बोलूँ सेम और सेम पॉइंट यहाँ पर भी होता है, ये भी लॉक कर दिया, ये वाला पॉइंट इसे लॉक करना होता है हर चैन एडजस्ट करने के बाद। भाई बिल्कुल डॉमिनेट का ट्यूटोरियल बना कर देंगे। आपकी चैन पॉकेट की हालत देख लीजिए क्या है। आप क्या क्लीन नहीं करते, खोल के क्लीन करते ना तो? ये अपने बोलने के ऊपर होता है, अगर आप बोलोगे कि खोल के चैन क्लीन करा दो, नहीं मैं बोलता तो हूँ इस बार बस रह गया, तो बिल्कुल चैन क्लीन कराई जाती है। ऐसा घर पे खुद ना करें, ऐसा आप ट्राई ना करें, इससे अपनी उंगलियों का डर भी है कि चैन में ना आए। ये क्लीन स्पो अभी जा रहा है पीछे क्लीन होने के लिए। फाइनली हमें हमारी बाइक रेडी मिल गई है, क्लच केबल बिल्कुल लंबी वाली डाल दी है, ऐसे बाहर निकलने को आ रही है। KTM एडवेंचर की क्लच केबल डाली गई है, न्यू क्लच केबल, न्यू क्लच प्लेट्स, काफ़ी टाइम हो गया, हमें आज पूरा दिन निकल गया यहाँ पर, बट हाँ बाइक रेडी हो गई है। चलो अभी चला कर देखते हैं। फ्री हो गया बाइक में, ढेर सारा काम करा लिया हमने। इनके पास KTM एडवेंचर की क्लच केबल नहीं थी तो हमने बाहर से पोर्टर कराई करोल पास से ही, 150 रुपये में एक पोर्टर को चार्ज देना पड़ा और 250 की क्लच केबल थी, बट यस एट दी एंड काम हो गया अपना। मैंने इस बार AMC भी ले ली है विद RS से, 1 ईयर की अराउंड 2100 की पड़ी, जिसके अंदर रोड साइड असिस्टेंस आ जाएगा, एक साल में 3 सर्विस फ्री, 10% डिस्काउंट होगा स्पेयर पार्ट्स पे, 5% लेबर चार्ज पे डिस्काउंट होगा, 2 एडिशनल वॉशिंग फ्री, एक कोटिंग फ्री है। अब एग्जैक्टली घर जाके देखेंगे क्या मिलेगा, क्या मिला है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 6:15, ट्रैफिक इज़ ऑन पीक।